भाजपा का चुनावी एजेंडा सिर्फ इस मुल्क को हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बांटना है। महबूबा मुफ्ती। उत्तर प्रदेश। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आज लखनऊ में घर घर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। विवादित कानून AFSPA के खिलाफ नागालैंड में 70 km लंबा 2 दिवसीय पैदल मार्च, सैकड़ों की तादाद में लोग। पीएम मोदी की रेड कैप पर मुलायम सिंह ने किया पलटवार, सपा कार्यकर्ताओं का बढ़ाया मनोबल। मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उषा ठाकुर एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में आ गई हैं। बिना मास्क के दौरा करने पर जब उनसे मास्क नहीं लगाने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा, तुम्हारे मास्क से मेरा गमछा 4 गुना ज्यादा मजबूत है और मैं आज से नहीं पिछले 30 सालों से सूर्योदय सूर्यास्त के समय अग्निहोत्र करती हूँ, यह मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हरिद्वार जिला प्रशासन ने 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं के स्नान करने पर प्रतिबंध लगाया। हर की पौड़ी पर भी प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। 14 जनवरी को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। विनय शंकर पांडे। दिवालिया कंपनी खरीदने के करीब पहुंचे मुकेश अंबानी, अरमानी को करती है फैब्रिक की सप्लाई। देश में नहीं थम रही कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे के दौरान 168,063 नए केस और 277 की मौत। देश में प्रिकॉशन डोज की कल कुल 984,676 डोज लगाई गई, जिसमें से हेल्थ केयर वर्कर्स को 519,604, फ्रंटलाइन वर्कर्स को 201,205 और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को 263,867 प्रिकॉशन डोज लगाई गई। IIT प्रोफेसर का दावा, मार्च में खत्म हो जाएगी कोरोना की तीसरी लहर, जनवरी के अंत में चरम पर होगा संक्रमण। मर्डर से पहले सुशील कुमार ने कुत्तों पर फायरिंग की, छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों पर पिस्तौल तानी, चार्जशीट ने खोला ओलंपिक मेडलिस्ट के गुनाह का काल। उत्तराखंड उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में ताजा हिमपात देखा गया। सूचना मिली कि सेंटर पॉइंट के पास सिटी सेंटर मॉल है, जहां कार्यरत एक सिक्योरिटी गार्ड ने वहीं पर कार्यरत एक सफाई कर्मी को गोली मार दी, अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, मामले में विधिवत कार्यवाही की जा रही है। कुलदीप सिंह गुनावत, SP सिटी अलीगढ़। बुल्ली बाई ऐप केस मामले में हुई गिरफ्तारियों के बाद अब शिकायतकर्ता को धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। एक शिकायतकर्ता ने पुलिस को जानकारी दी है कि उसे धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। इस जानकारी के बाद मुंबई पुलिस के साइबर विभाग ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उधर दूसरी ओर इस मामले बेंगलुरु से गिरफ्तार किए गए आरोपी की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हाई कोर्ट की टिप्पणी, वैवाहिक दुष्कर्म को मामलों में दोषी को प्रथम दृष्टया दंडित किया जाना चाहिए। पीठ ने धारा 375 IPC के अपवाद का हवाला दिया, जिसमें एक पति और पत्नी के बीच यौन संबंध को दुष्कर्म के अपराध से छूट दी गई है। अदालत ने कहा, जिन मामलों में पक्षकार विवाहित हैं और जहां शादी नहीं हुई है, ऐसे मामलों में गुणात्मक अंतर है। झारखंड मॉब लिंचिंग, झारखंड के धनबाद में एक मुस्लिम युवक की BJP कार्यकर्ताओं द्वारा पिटाई का मामला गर्माता जा रहा है। अब इस मामले को लेकर झारखंड BJP की तरफ से भी बयान आ गया है, जिसमें कहा गया है कि मारपीट के आरोपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इसके साथ ही पीड़ित के खिलाफ ही कार्रवाई की मांग की गई है। गौरतलब है कि जीशान खान नाम के शख्स के साथ BJP कार्यकर्ताओं ने मारपीट की थी और थूक चटवाया था। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के मुख्य कोच लालचंद राजपूत श्रीलंका दौरे से पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में कोच राजपूत आइसोलेशन प्रोटोकॉल के चलते श्रीलंका में पहले 2 वनडे मैचों में टीम के साथ नहीं होंगे। 60 वर्षीय लालचंद राजपूत को होटल में आइसोलेशन में भेजे जाने से पहले एहतियात के तौर पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
गोर में तृणमूल कांग्रेस की प्रभारी और लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने कुछ ही दिन पहले संकेत दिए थे कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को हराने के लिए कुछ भी करने तो तैयार है। इस संकेत के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने गोवा में टीएमसी के साथ गठबंधन की संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी हैं, वह भी तब जब कुछ समय पहले तक दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ खुलकर प्रचार कर रही थी। यहां तक कि टीएमसी चीफ ममता बैनर्जी ने अपने गोवा दौरे पर राहुल गांधी तक पर भी निशाना साधा था। 3 दिन पहले जिन क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई वहां स्थानीय प्रशासन ने सर्वे का कोई प्रबंध नहीं किया, आदेश भी नहीं निकले, सिर्फ शिवराज सिंह का बयान निकला। बयान और उसके क्रियान्वयन में बहुत अंतर है, इस सरकार की खूबी है बयान पर जीवित रहो, सीएम कमलनाथ। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका, इमरान मसूद और विधायक मसूद अख्तर सपा में शामिल।